नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मध्य प्रदेश एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की लीगल विंग के महासचिव को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने उसे भोपाल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि श्योपुर पुलिस ने उसे श्योपुर से पकड़ने की बात कही है। जांच एजेंसियों की टीमें जब आरोपी को पकड़ा है, तब उसके परिजन पड़ोसियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। लेकिन यह टीमें आरोपी को लेकर कहीं रुके बिना शहर से बाहर निकल गईं। जांच एजेंसी ने बताया कि वासित खान 2017 से पीएफआई की लीगल विंग नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO से जुड़ा है। कोर्ट ने उसे 8 फरवरी तक के लिए जांच एजेंसी को सौंप दिया है। एटीएस की आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि आरोपी पेशे से वकील है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10 बजे काले रंग की गाड़ी में आई एटीएस टीम ने गैस एजेंसी रोड इलाके में रहने वाले वासिद खान पिता बाबू खान 26 वर्षीय को उसके घर से हिरासत में लिया। उससे कुछ पूछताछ की, फिर उन टीमों ने युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और उससे लेकर जाने लगे, तभी लोगों ने पथराव कर दिया। हालांकि इस पथराव से किसी को कोई चोट नहीं आई है। एसपी आलोक कुमार सिंह का कहना है कि गिरफ्तार किया गया युवक पीएफआई के लिए काम करता था। इस तरह की सूचना एटीएस और दूसरी एजेंसियों को मिली थी, इस पर उन्होंने कार्रवाई की है। वासित पिता बाबू खान निवासी भगवाज ये भोपाल में रहता था। अभी यहाँ एक सप्ताह पहले ही श्योपुर आया था। ये पूर्व में पीएफआई से जुड़े संगठन NCRHS आरओ का जिलाध्यक्ष श्योपुर रहा है। तो इसको अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किन किन टीमों से कार्रवाई की है? ये संयुक्त कार्रवाई है भोपाल, ये श्योपुर पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई।